तो दोस्तों फाइनली Redmi Note 8 Pro कंफर्म हो चुका है और इस स्मार्टफोन की लगभग सारी स्पेसिफिकेशन कंफर्म कर दी गई है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला 64 मेगापिक्सल का ट्रू रियर कैमरा, जो कि होने वाला सैमसंग के GW1 का सेंसर, और साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन की काफी सारी स्पेसिफिकेशन जो कि बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशन है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरे से, जो कि बहुत दिनों से हाईलाइट की गई है। तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा, जो कि आने वाला है बहुत ही बेहतरीन 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ, जो कि होने वाला है सैमसंग GW1 का सेंसर, और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। और बात करें इसके बैक साइड के डिजाइन की, तो दोस्तों इसका बैक साइड का डिजाइन होने वाला है ग्लास बैक के साथ, जो कि आने वाला है ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ, जो कि आपको बहुत ही प्रीमियम लुक देने वाला है, बहुत प्रीमियम फील देने वाला है। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलने वाला है 6.39 इंच का एक एमोलेड स्क्रीन, जो कि आने वाला है एक डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को नहीं मिलने वाला है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला एक वाटर ड्रॉप नॉच, जो कि आने वाला है 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ। और वहीं दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है मीडियाटेक की हीलियो G90T का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर है, और आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में पबजी जैसे गेम बहुत ही आराम तरीके से खेल पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो गेमिंग स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया गया है। आप इस स्मार्टफोन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पबजी, फोर्टनाइट, अस्पाल जैसे गेम बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल पाएंगे। और वही बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि गेमिंग स्मार्टफोन में बैटरी की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैटरी जो होने वाली है वो होने वाली 5000 mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, और आपको देखने को मिलने वाला एक 18W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही। वही बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की रैम वेरिएंट और ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि आने वाला है MIUI 11 के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 2-3 रैम वेरिएंट, जो कि होने वाला है स्टार्टिंग 4GB रैम, 64GB इंटरनल, जिसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलने वाला है 14,000 से 15,000 रुपीज के करीबन, 6GB रैम, 64GB इंटरनल, जिसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलने वाला है 16,000 रुपीज के करीबन, और 6GB रैम, 128GB इंटरनल, जो कि आने वाला है 17,000 to 18,000 रुपीज के करीबन। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो रिलीज होने वाली है वो होने वाली दिवाली से पहले, यानी दोस्तों आपको दिवाली से पहले बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। तो आप किस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड है हमें कमेंट करके बताएं। एंड फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।